रीजनिंग के एक और धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रैंकिंग या ऑर्डर या क्रम निर्धारण। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रैंकिंग या ऑर्डर में आपको बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कंसेप्ट हम आज बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझेंगे और ये कंसेप्ट कर लेने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक व्यक्ति पर आधारित आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति का बाएं से स्थान और दाएं से स्थान दे दिया जाए तो उस पंक्ति में कितने लोग होंगे ये आपको पूछ दिया जाता है। या पंक्ति ना देके एक स्तंभ के रूप में यदि ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान दे दे किसी व्यक्ति का और पूछ दे कितने लोग होंगे तो इसको हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। कितने लोग होंगे ये बताने के लिए अपने को इस व्यक्ति के बाएं में कितने लोग हैं, इस व्यक्ति के बाएं में कितने लोग हैं मतलब लेफ्ट में कितने लोग हैं और इस व्यक्ति के राइट में कितने लोग हैं, साथ में इस व्यक्ति को ऐड कर देंगे तो कुल मिल जाएगा, टोटल कितने लोग हैं मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कितना स्थान दिया है प्लस राइट से कितना स्थान दिया है और साथ में एक माइनस। जैसे कि मान लीजिए इधर से छठवां स्थान है, इधर से नौवां स्थान है तो टोटल कितने लोग होंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस व्यक्ति के बाएं में कितने लोग होंगे, पांच लोग, तभी तो एक स्थान छठवां होगा ना। लेफ्ट में फाइव लोग होंगे और राइट में कितने लोग होंगे, आठ लोग, और साथ में प्लस में एक इस व्यक्ति को लेंगे तो आठ एक नौ पांच चौदह लोग। इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेफ्ट में कितने लोग हैं, छह लोग, राइट में कितने लोग हैं, नौ लोग, और इसको दो बार लिए हैं तो एक कम। दो बार कैसे हुआ दोस्तों, लेफ्ट से भी तो काउंट हो गया और राइट से भी काउंट हो गया, दो बार काउंट हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का स्थान दो बार तो नहीं आएगा ना, एक ही बार आएगा, तो इसलिए हम एक कम कर देते हैं तो इधर से भी चौदह। तो आपकी मर्जी जैसा भी समझो, आपको कंसेप्ट समझना है लेफ्ट में कितने लोग हैं प्लस राइट में कितने लोग हैं और प्लस में वन, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब चलिए देख लेते हैं दो व्यक्ति पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकते हैं। दो व्यक्ति के लिए इसमें आपको किसी एक व्यक्ति ए का बाएं से स्थान दे दे और दूसरा व्यक्ति बी का दाएं से स्थान दे दे और बीच में टोटल कितने लोग हैं यह आपको बता दिया जाए तो इस पंक्ति में कितने लोग होंगे ये हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान प्लस में ये जो मिडिल में है तो टोटल मिल जाएगा, है ना। इसी में आपको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको टोटल इस पंक्ति में कितने लोग हैं ये दे दे मतलब इसका वैल्यू दे दे और किसी एक तरफ से स्थान दे दे चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से और बीच में कितने लोग हैं ये भी दे दे तो हम दूसरे तरफ से स्थान बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाएं तरफ से छठवां स्थान है, इधर से सत्रहवां स्थान है और बीच में तीन लोग हैं तो हम बता सकते हैं इस पंक्ति में कितने लोग होंगे, सत्रह छह तेईस और तीन छब्बीस लोग, टोटल छब्बीस लोग होंगे। या अपने को सिर्फ एक तरफ का स्थान दे दे, एक तरफ का स्थान दे दे और तीन लोग बीच में है ये दे दे और टोटल 26 लोग हैं ये दे दे तो हम दूसरे तरफ का स्थान बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो 26 में से हम माइनस कर देंगे 9 को, 6 3 9 तो 26 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, तो इधर से 17 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दो व्यक्ति के लिए किसी भी एक का स्थान देकर दूसरे का पूछा जा सकता है और वो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों इसी में आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि स्थान तो दे दिया जाए, आपको स्थान दे दिया जाए लेफ्ट से स्थान दे दे और राइट से स्थान दे दे और टोटल कितने लोग हैं ये भी दे दे तो बीच में कितने लोग हैं ये अपने को बताना है तो इसको भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो टोटल में से हम
राइट प्लस लेफ्ट करके माइनस कर देंगे तो बीच में कितने लोग हैं मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए टोटल 25 लोग हैं, बाएं से सातवां है और दाएं से नौवां है और बीच में दो लोग हैं, सॉरी बीच का तो निकालना है ना, इधर से सातवां है इधर से नौवां है तो बीच में कितने लोग होंगे 25, 25 में से माइनस कर देंगे 9, 7, 16 को, तो 25 में से 16 मतलब बीच में 9 लोग हो जाएंगे, ठीक है, बीच में 9 लोग हो जाएंगे, तभी तो ये 9, 9, 18, 7, 25 होगा, ठीक है। दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि दोनों को ऐड कर रहे हैं इसका मान, मतलब इसका मान यदि टोटल से अधिक आ गया तब हम कैसे करेंगे, यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से अधिक आ गया तो एक काम आपको करना है, आपको R प्लस L में से टोटल को माइनस करना है, साथ में दो माइनस करना है दोस्तों, कब, यदि इस टोटल का मान लेफ्ट R प्लस L का मान टोटल से अधिक आ गया तो, और ये कम है तो कोई दिक्कत नहीं, कम है तो अपने को हम बहुत आसानी से मिल जाएगा बीच में कितने लोग हैं, लेकिन यदि अधिक आ गया तो ये बात का ध्यान रखेंगे ना। अब ये माइनस टू क्यों की है, जैसे कि इसी के लिए हम देख लेते हैं, यदि बाएं से 15वां स्थान है, इधर से 12वां स्थान है, तो 15, 12 या 12 न लेके इसको हम 14 ले लेते हैं या जो भी ले लो, 15, 12 ये 15 और 14 कितना हो गया 29, ये 29 हो गया दोस्तों। अब ये 29 तो 25 से ज्यादा हो गया, ये तो 29 हो गया जबकि टोटल 25 है, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों व्यक्ति ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे मतलब इन दोनों, ये दोनों का गणना दो बार हो जाएगा, कैसे हुआ हम अभी आपको बता देते हैं। टोटल 25 लोग हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 लोग हो गए। बाएं से 15वां स्थान 3, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 14, 15, ये बाएं से 15वां स्थान ए का, दाएं से 14 स्थान बी का, दाएं से 14 स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 स्थान ये बी का, 14 स्थान, तो बीच में दो लोग हो गए, दो लोग हो गए। इसको हम इससे भी निकाल सकते हैं, R प्लस S 15 और 14 ये 29 हो गया, टोटल 25 लोग हैं और दो और माइनस कर देंगे तो 25, 2, 27, 29 में 27 दो लोग ही आ रहे हैं, है ना। तो दो हम जो माइनस किए हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि जब हम बाएं से काउंट किए, बाएं से जब हम गए ए तक, तो बी तो काउंट हो गया है, बी तो काउंट हो गया है, और जब दाएं से गए तो फिर से दोबारा दोनों काउंट हो रहा है, दोनों का गणना दो दो बार हो रहा है जबकि एक एक बार होना चाहिए, इसलिए दो माइनस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या निकला, यदि बाएं से स्थान, दाएं से स्थान और बीच में, सॉरी टोटल कितने लोग हैं ये दे दे तो हम बीच का लोग निकाल सकते हैं, बीच में व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, यदि R प्लस L टोटल से कम है तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यदि R प्लस L टोटल से अधिक हो रहा है, मतलब बायां प्लस दायां टोटल से अधिक हो रहा है, तो दो और माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए अब इसी में आता है स्थान परिवर्तन, दो व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन। सब ये आप कंसेप्ट नोट डाउन करते जाइए, अच्छे से सीख लीजिए, एक बार यदि आपको समझ में आ गया उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दो व्यक्तियों पर आधारित ही हम कर ले रहे हैं स्थान परिवर्तन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रैंकिंग का, ठीक है। यदि ये सब आप कर लिए उसके बाद रैंकिंग आपका क्लियर, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सिर्फ माइंड में ही बता सकते हैं। स्थान परिवर्तन मतलब यदि किसी ए का बाएं से स्थान और बी का दाएं से स्थान दे दे, और स्थान परिवर्तन के बाद या तो ए का या बी का नया स्थान बता दे, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं ये बताया जा सकता है, बीच में कितने लोग हैं ये बताया जा सकता है, और दूसरे का, किसी दूसरे का स्थान भी बताया जा सकता है। कैसे देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए ए का बाएं से 5वां स्थान है, बी का दाएं से 9वां स्थान है, ठीक है, और दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए,
तो ए का नया स्थान हो जाता है, ए का नया स्थान हो जाता है सातवा, ठीक है। तो आपको यह पूछ दे कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो दोस्तों पांचवा से पहले ए का स्थान पांचवा था, अब सातवा हो गया, बाएं से पांचवा था वो सातवा हो गया, दो स्थान का वृद्धि हो गया, मतलब बीच में एक लोग होंगे, पांचवा ये छठवा और ये सातवा, बीच में एक लोग होंगे, ठीक है। अब अपने को बीच में कितने लोग हैं मिल गया, ए का इधर से स्थान पता है, बी का इधर से स्थान पता है, और बीच में कितने लोग हैं ये भी पता है, तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं आसानी से बताया जा सकता है। इधर से पांच, नौ पांच चौदह, बीच में एक पंद्रह, इस पंक्ति में टोटल 15 लोग होंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे आपको पूछ दे शुरुआत में ही आपको पूछ दे ए का दाएं से स्थान, ए का दाएं से स्थान पूछ दे, ए का बाएं से तो पता है पांचवा, दाएं से क्या होगा, और इसका आंसर देने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या आप बता सकते हैं, यदि आप रटे होंगे फार्मूला से कर रट रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बता सकते, और यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखो दोस्तों ए का बाएं से पांचवा है, टोटल 15 लोग हैं, मतलब ए के दाएं कितने लोग होंगे, ए के दाएं कितने लोग होंगे, 10 लोग। ए का पांचवा स्थान है इधर से, ए का स्थान बाएं से पांचवा है, मतलब ए के राइट में 10 लोग होंगे, तभी तो टोटल 15 हुआ ना। यदि राइट में 10 है तो ए का 11वां हो जाएगा, ए के राइट में 10 लोग हैं तो ए का 11वां हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 11वां हो गया। बी का स्थान बताइए जी, बी का दाएं से दिया है, बाएं से क्या होगा, बी का बाएं से क्या होगा, अब आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा। देखो बी का दाएं से तो 9वां है, 9वां है मतलब इधर कितने लोग और होंगे, 6 लोग, बी के लेफ्ट में 6 लोग और होंगे, यदि बी के लेफ्ट में 6 लोग होंगे तो बी 7वां होगा, मतलब इधर से 7वां हो गया। इसी तरीके से स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन जो कि 5वां से 7वां हो गया, ए जो है बाएं से 7वां हो गया, अब स्थान परिवर्तन के बाद ए का दाएं से स्थान आप भी आप बता सकते हैं, बी का बाएं और दाएं दोनों, जो भी आपको पूछे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये कंसेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, वीडियो रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर करना है दोस्तों, ठीक है। आगे हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का भी करेंगे, तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, जिसमें राम का दाएं से स्थान 16वां है, राम का दाएं से स्थान दिया है, चलिए दाएं से स्थान क्या है 16वां है, किसका, राम का, तो बाएं से राम का स्थान क्या होगा, इधर से स्थान क्या होगा, ये पूछा है। दोस्तों टोटल कितना दिया है, 50 दिया है, इस राम का एक तरफ से राम का दाएं से स्थान 16वां है, तो बाएं से कितना होगा, बहुत ही आसान है, इधर से 16वां है मतलब इधर कितने लोग हैं, लेफ्ट बाएं में राम के बाएं में कितने लोग हैं, 34 लोग है ना, 16 34 तभी तो 50 होगा जी, आपको फार्मूला यूज नहीं करना है यार, ठीक है। बस ये देखना है, इधर से 16 है मतलब बाएं में 34 लोग हैं, यदि राम के बाएं में 34 लोग हैं मतलब राम का 35वां होगा, देख लीजिए दोस्तों। क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है, सिर्फ माइंड में आप कर सकते हैं। चलिए अगला, एक पंक्ति में राम बाएं से 13वां तथा श्याम दाएं से 18वां है, एक पंक्ति में राम बाएं से 13वां, राम जो है बाएं से 13वां स्थान है, श्याम दाएं से 18वां है, श्याम जो है दाएं से 18वां है, ठीक है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो राम बाएं से 16वां हो जाता है, राम बाएं से इधर से क्या हो जाता है, 16वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन करे, बस सबसे पहले आप निकालिए बीच में कितने लोग हैं,
पिच में कितने लोग हैं, यदि पूछा है तब भी निकालिए, नहीं पूछा है तब भी सबसे पहले बीच में, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये आप पहले निकालिए। और वो कैसे निकाल सकते हैं, बाएं से स्थान 13 है, परिवर्तन होने के बाद बाएं से 16 हो गया, 13 से 16 मतलब 3 का वृद्धि हुआ जी, 3 का वृद्धि हुआ, यदि 3 का वृद्धि हुआ मतलब बीच में दो लोग होंगे, इन दोनों के बीच में दो लोग होंगे। ठीक है, अब दो लोग हैं तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, इधर से 13 ये 8 21 और बीच में दो मतलब टोटल 23 लोग हो जाएंगे जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तैतीस लोग हो जाएंगे ना, 18, 13, 31 और 2 33 लोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में मोहन बाएं से 18वां स्थान तथा सोहन दाएं से 22वां स्थान, बाएं से 18वां कौन, मोहन का, दाएं से 22वां किसका, सोहन का। ठीक है, यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें, फिर से दोनों का स्थान बदला जा रहा है, तो मोहन बाएं से 22वां हो जाता है जी, 26वां, मोहन बाएं से 26वां हो जाता है। शुरुआत में दिया है मोहन बाएं से 18वां है, सोहन दाएं से 22वां है, दोनों का स्थान बदल दिया जाए तो मोहन बाएं से 26वां हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है जी, और यही दो व्यक्तियों के स्थान परिवर्तन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हर तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, दोस्तों सबसे पहले बीच में कितने लोग हैं, इस बीच में कितने लोग हैं इसको निकाल लो। ये कैसे मिलेगा, 18 से 26 हो गया मतलब 8 का वृद्धि हुआ, 8 का वृद्धि हुआ मतलब बीच में 7 लोग होंगे, जितना वृद्धि हुआ उससे एक कम, 7 लोग होंगे। यदि बीच में 7 लोग हैं तो जो पूछा है क्या क्या पूछा है, सोहन का नया स्थान पूछा है, मोहन व सोहन के बीच कितने व्यक्ति है, कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, कुल कितने हो जाएंगे, बीच का तो मिल गया, एक का आंसर अभी से मिल गया, बीच में 7 लोग हैं, टोटल कितने लोग होंगे, 22, 18, 40, 7, 47, तो टोटल 47 लोग, बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग। और क्या पूछा है, सोहन का जो कि पहला क्वेश्चन है, सोहन का नया स्थान, दोस्तों नया स्थान पूछा है, तो चूंकि बाएं से 8 का वृद्धि हुआ है, 8 का वृद्धि हुआ है, जो वृद्धि हुआ है यही इसके स्थान में वृद्धि कर देना है। ठीक है, तो 8 का वृद्धि करेंगे तो 30वां हो जाएगा, सोहन का 30वां हो जाएगा। यदि आपको इसी में पूछ दे मोहन का दाएं से कितना होगा, बाएं से तो 18 दिया है, दाएं से कितना होगा, शुरू में ना, शुरू में, स्थान परिवर्तन के बाद नहीं, स्थान परिवर्तन के बाद भी हम बता सकते हैं शुरू में कितना होगा। देखो मोहन का बाएं से 18वां है, टोटल 47 है, मतलब दाएं में कितने लोग हैं, दाएं में 29 लोग हैं, दाएं में 29 लोग हैं, यदि दाएं में 29 लोग हैं मतलब ये 30वां नंबर पे है। स्थान परिवर्तन के बाद दाएं से कितना होगा मोहन का, 26, स्थान परिवर्तन के बाद बाएं से 26 है मतलब इधर 21 लोग और होंगे, 21 लोग और होंगे मतलब मोहन का 22वां नंबर होगा। इस तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएं से 22वां स्थान है, 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएं से 22वां स्थान है, बी दाएं से 12वां स्थान है, तो दोनों के मध्य पूछा है जी। अब देख लो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है, शुरू में ही हम कंसेप्ट बता दिए, टोटल 50 है, ए का बाएं से 22वां स्थान है, बी का दाएं से 12वां स्थान है। ठीक है, इधर से इसका 22वां, बी का 12वां, बीच में कितने लोग होंगे, मिडिल में कितने लोग होंगे ये पूछा है। तो कैसे करना है, इस 50 में से माइनस कर देना है, दोनों को ऐड करके 22 प्लस 12, तो 22 प्लस 12 34, और 50 में माइनस करेंगे तो 50 में 34 माइनस करेंगे तो 16। ठीक है दोस्तों, और इसी में बताया था यदि ये अधिक हो गया तो इसमें से इसको माइनस करके 2 और माइनस कर देना है। ओके चलिए,
अगला क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का बाएं से क्या स्थान दिया है? 25वां। बी का दाएं से 20वां। ये बी है जो कि दाएं से 20वां है। तो दोनों के बीच कितने लोग हैं? टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल 40 लोग दिए हैं जी। इधर से 25 है, इधर से 20 है, बीच में कितने लोग हैं बताना है। अभी हम किए हैं बीच में कितने लोग हैं बताने हैं के लिए इससे लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर देना है। तो ये तो 45 हो गया जो कि इससे ज्यादा हो रहा है। इससे ज्यादा हो रहा है तो क्या करना है? इसमें से पहले माइनस करना है। 25 प्लस 20 को दोनों को ऐड करके 40 के साथ टोटल के साथ माइनस करना है और दो और माइनस कर देना है। तो ये 45 हो गया, ये 42 हो गया। मतलब टोटल बीच में कितने लोग होंगे? 45 में 42 गया, बीच में 3 लोग होंगे। ठीक है, 3 लोग होंगे और ये ओवरलैपिंग का केस है। मतलब ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने के बाद बीच में 3 लोग होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।